मुंबई और ग्वालियर जाना है। पहले नवी मुंबई से शुरुआत करी जाए। अन्नपूर्णा जी स्क्रीन पे। अन्नपूर्णा मैम नमस्ते। अन्नपूर्णा मैम कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? 2021 से जुड़ी हूँ। 21 से 3 साल, मतलब कोविड के बाद से। हाँ। कैसा चल रहा सफर? खुद स्टॉक चुनते हो, अन्नपूर्णा मैम कोई मदद कर रहा है? मेरा बेटा करता था अभी, उससे मैं देख देख के मेरे को भी अच्छा लगा। सुबह 7:30-8 बजे से टीवी चालू रहता है। 7:30 बजे क्यों चालू होता है? मार्केट से चालू कर देता है ना मेरा बेटा। तो उसको बताओ बेटे को 7 बजे हम लोग सुबह आके बैठते हैं। उसको कैसा टाइम मिलता है वैसा? अरे अलार्म लगाना पड़ता है, अपन ने 15 साल हो गया अलार्म लगा लगा के। उसको भी प्लीज रिक्वेस्ट करो 6:57 पे खोलने का है। अच्छा अन्नपूर्णा मैम पहला सवाल। जी बोलिए। पहला स्टॉक कौन सा, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? इंडस टावर। कितने स्टॉक्स हैं, किस भाव पे मैम? 128 है, 128 शेयर्स हैं, 169 रुपीस पे। ये लड़के ने चुना था स्टॉक क्या? नहीं मेरे को अच्छा लगा, उससे मैं थोड़ा रायदा लिया फिर चालू किया। अरे यार आप तो एकदम सही चुन ली। अच्छा क्यों लगा था? ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए कि कोई रीजन कुछ था कारण? नहीं मेरे को भी थोड़ा आगे बढ़ने का था ना, हाउस वाइफ हूँ फिर भी मेरे को इच्छा लगा। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। इंडस टावर क्या अच्छा लगा था आपको, क्यों लिया था? उसमें मुनाफा थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। भाई जो भी लगा गजब लगा, जहां से चलना शुरू हुआ वहीं खरीदा था। अमित जी डबल से ज्यादा हो चुका है मामला, मजेदार हो गया एकदम। 350 पे बैठा हुआ स्टॉक है, क्या करना चाहिए? अमित जी क्वांटिटी भी बढ़िया है, 128 शेयर्स। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा बांध दूं या अभी मोमेंटम और है राइड करूं, क्या करोगे आप? आशीष जी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात भी सही है कि मार्च अप्रैल में ये 2 महीनों में स्टॉक लगभग 260 के लेवल से ऑलमोस्ट अभी 351 के लेवल पे आ गया। एक वन साइडेड पैराबोलिक राइज हुआ है। कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो पुलबैक जरूर आते हैं स्टॉक्स में, तो मेरी राय है कि एटलीस्ट 50% मुनाफा तो यहाँ पे आपको मानना चाहिए मैम। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई और एक रेजिस्टेंस जोन पे, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 50% प्रॉफिट जरूर बांधना चाहिए पोजीशन में। बैलेंस पोजीशन को आप ट्रेल करें क्योंकि मोमेंटम इसमें है। एक 335 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के बैलेंस पोजीशन को होल्ड करें और मोमेंटम को राइड करें। अन्नपूर्णा मैम जो भी लगा था आपको गजब लगा था, बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है। अब उस मुनाफा अगर मुनाफा घर नहीं आया तो क्या मुनाफा? तो आधे 125 के आधे मतलब 60-65-70 शेयर बांध लो मुनाफा, बचे हुए स्टॉक्स को होल्ड करो तो पैसा भी घर आ जाएगा बढ़िया, पूरा आपके लगाई लागत बाहर आ जाएगी और फ्री पैसे से मतलब प्रॉफिट से आप बाकी स्टॉक को राइड करोगे। उस पर 335 का स्टॉप लॉस लगा लेना। लौटता हूँ आपके पास, ग्वालियर जा रहा हूँ भावना त्रिपाठी जी के पास। भावना मैम हाय गुड आफ्टरनून। भावना मैम क्या करते हो ग्वालियर में आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, सीप्री ग्वालियर के पास शिवप्री है, वहाँ रहते हैं हम। हाँ अच्छा भावना मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 200 शेयर हैं और रेट थी 225 और 5 साल के लिए होल्डिंग किया हमने। तो फिर आपने सोच ही रखा तो मैं जिसे क्या पूछूं? ये पूछूं सही आइडिया है क्या, सही कॉल लिया? हाँ क्या सर ये बता दीजिए आप क्या करना है। अमित जी भाई बढ़िया खरीद है 225 पे, 150 रुपए गेन हो रहा है, मन बनाया हुआ है 5 साल के लिए रखेंगे, थोड़ा बहुत आप हामी भर दो तो भरोसा बढ़ जाएगा। डेटा काफी कम है लेकिन चार्ट में हायर है, हाई लोस बन रहे हैं, ट्रेंड इंटैक्ट है, तो मैं यहाँ पे और एकदम मैच्योर ट्रेंड अभी ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा मोमेंटम बना रहेगा, 400-425 के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन जो पोजिशन है उसके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 360 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन में बने रहे। से पूजा सिंह जी। पूजा मैम गुड आफ्टरनून। पूजा मैम आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? सर 5-6 इयर्स हो गए। एंड हाउ इज द जर्नी बीन, कैसा रहा सफर? सर आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस तो फिर बढ़िया ही हुआ है। पूजा मैम पहला सवाल अमित जी के लिए। सर इंडोटेक में लिया है एट द रेट ऑफ 934
तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, या फिर कुछ और शेयर्स इसमें ऐड कर सकती हूँ? अगर ऐड करने हैं तो किस लेवल पे करने चाहिए? आज सब गाड़ी कमाई के साथ बैठे हुए हैं, इंडोटेक डबल हो चुका है भाई अमित जी, अभी ये 10 स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए? मुनाफा बांधें, होल्ड करें और खरीद लें, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे? जी आशीष जी, अगर इसका चार्ट देखें तो बहुत कम वॉल्यूम पे ये सर्किट टू सर्किट लगाया है इसने, और रिसेंटली एक पैराबोलिक राइज इसमें आया है। थोड़ा सा ये स्टॉक मैं कब ट्रैक करता हूँ क्योंकि इसमें स्टेप मूवमेंट है, लेकिन आप अच्छे कैसे प्रॉफिट में हो मैडम, तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें अप्रैल के महीने में 1000 रुपए था, ऑलमोस्ट 1878 रुपीज आ गया है, तो आइदर आप प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर आप थोड़ा फिर वेट करना चाहते हैं तो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मूवमेंट मतलब सर्किट 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 खुला फिर सर्किट सर्किट सर्किट, ऐसा स्टेप बनते जा रहे हैं जी। इन थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ठीक बात, लेकिन अभी तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है। क्विकली एक एक सवाल लेता हूँ, समय खत्म हो रहा है। अन्नपूर्णा मैम जल्दी से अगला सवाल। जी जी, टाटा स्टील। दूसरा मेरा टाटा स्टील में लिया मैंने 181 181 शेयर है, लड़का साथ में बैठा हुआ है आपके, 111 112 खरीद रखे भाई, 112 वाला 56 रुपए गेंस है, बढ़िया मोमेंटम में पकड़ा, एकदम नामचीन ट्रेडर है एकदम आपका लड़का, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ मैं। अमित जी 56 रुपए गेन हो रहा है, रख लें क्या? हालांकि ये मोमेंटम वाली कहानी है, फंडामेंटल वाली कहानी है नहीं, मोमेंटम इंटैक्ट है, क्या करना चाहिए, रख लूं? जी यहाँ पे भी सलाह ये है कि अच्छे खासे प्रॉफिट में 50% में मुनाफा बांध लें, लेकिन बाकी में जरूर होल्ड करें क्योंकि सेक्टर में भी ब्रेकआउट है, स्टॉक में भी ब्रेकआउट है, बैलेंस 50% पोजीशन का अपना 158 का स्टॉप लॉस रखें और उसे राइड करें। भावना मैम जियो फाइनेंस के बाद अगला स्टॉक। सर 50 शेयर वेदांता के हैं और रेट थी 241, तो अब आगे क्या करना है सर? अरे वाह यार, क्या करना है, मस्त मुनाफा एंजॉय करने का है, 150 रुपए गेन हो रहा है अमित जी, वेदांत में क्या करा जाए? जी चार्ट में कहीं भी वीकनेस नहीं है, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो पुलबैक जरूर आते हैं, तो पोजीशन जितनी भी थोड़ा बहुत 50% में मुनाफा जरूर बांध लें, क्योंकि मुनाफा जैसा आशीष जी ने कहा थोड़ा घर भी आना चाहिए तभी फायदा होता है और हिम्मत बढ़ती है, और बैलेंस पोजीशन में मैडम आप 375 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बनाए रहें और मोमेंटम को राइड करें। पूजा मैम अगला सवाल। तो GMR इंफ्रा एट द रेट ऑफ 87 रुपीज एंड 40 पैसा 172 शेयर्स। या 172 शेयर्स GMR इंफ्रा, अमित जी 60 इनकी बाइंग के आसपास खड़ा हुआ है जी। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखा और काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स से आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है स्टॉक में, वॉल्यूम्स लेकिन कम है, तो बने रहे पोजीशन में, लेकिन ब्रेकआउट इसका लगभग 85 के लेवल पे आया था, तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। अच्छा इस बीच एक चीज भूल गया था मैं, जियो फाइनेंशियल से याद आया, इस चैनल के जो प्रमोटर्स हैं और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो आप लोग किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा इस नोट पर। अच्छा अमित जी जाने से पहले कुछ पिक दे जाओ तो हम सबका भला हो जाएगा। जी आशीष जी, मेरे रडार पे सुबह से ICICI बैंक का थोड़ा सा भाग जरूर गया है, लेकिन ब्रेकआउट आज ही हो रहा है, थोड़ा सा अगर डिप मिले 1135-40 के लेवल पे मिले तो इसे जरूर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है, 1110 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे 1180 से लेके 1200 तक के टारगेट्स ICICI बैंक में लगते हैं। और वाइडर मार्केट से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है डेट इज IRFC का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे वॉल्यूम और स्ट्रक्चर सपोर्ट है, 160 के भाव में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक डिप जरूर मिलेगा, 155-157 के लेवल में इसे एक्यूमुलेट करें, 150 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स 170 से 175 रुपए तक के रहेंगे IRFC में। अरे वाह, ICICI बैंक कहीं भी थोड़ा सा भी ठंडा पड़े तो खरीद लीजिए और ऊपर से IRFC खरीदिए। ICICI बैंक की बातचीत हुई तो निफ्टी बैंक अपने शिखर से महज 40-42 पॉइंट दूर इस समय, गजब का मूव आज के सेशन में, वो अच्छा बना दिया सास बहु, सेंसेक्स हटा के SBS पिक्स वापस कर दिया डायरेक्टर साहब ने, दिखाओ डायरेक्टर जो आपने ऐसे छोड़ रहे थे बार बार, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अन्नपूर्णा मैम, भावना मैम, पूजा जी थैंक यू सो मच।